आए हैं TVS सबरवाल करोल बाग में iQube की टेस्ट राइड लेने के लिए। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये हमारे सामने खड़ी है iQube TVS की, तो आज हम इसकी राइड करेंगे। फर्स्ट राइड रिव्यू है, तो इसमें आपको डिस्प्ले मिल जाता है TFT डिस्प्ले, कलरफुल एकदम, और काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो अभी ये इको मोड पे है और ये यहाँ पर है हैजार्ड स्विच इनबिल्ट कंपनी की तरफ से, और नीचे मोड का बटन है, ये अभी इको मोड है और अब पावर मोड पर आ चुके हैं। तो ये ऑरेंज हो जाता है तो पावर मोड है, और ये अभी ग्रीन होता है तो इको मोड पे आ जाते हैं। तो काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है इसमें, और ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेटवर्क मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, पूरा सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, किसकी कॉल आ रही है, किसकी नहीं आ रही है, कितनी फ़ोन में बैटरी है। और साइड में यहाँ पे आपको वो इंडिकेटर मिल जाता है कि बैटरी कितनी है और कितनी हमारी स्कूटी चलेगी। यहाँ पे 73% हमारी स्कूटी चार्ज है। तो चलिए चलते हैं आगे के लिए। अभी मैं चला रहा हूँ इसको इको मोड पे, तो अभी इको मोड पे ये देखते हैं कितना जाती है ऊपर, तो आगे चलते हैं। तो काफ़ी स्मूथ इंजन है, कोई भी नॉइज़ नहीं थी अभी, यानी मैं जस्ट वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि यार मेरा ऑडियो ख़राब हो गया, क्या ही बताएं। तो यहाँ पर मैंने पूरा फुल थ्रोटल दे दिया है इस स्कूटी पे, तो ये 45-46 पे जाकर अटक चुकी है, इससे ऊपर जा नहीं रही थी। तो यहाँ पर मैंने मोड चेंज कर दिया है, मोड अब मैं पावर में आ चुका हूँ, तो यहाँ पे ऑरेंज लाइट आ चुकी है, देख सकते हो आप। तो आगे ट्रैफिक आ गया है गाइस। तो यार ज़्यादा लंबी राइड मेरे को मिल नहीं पाई थी एक्चुअल में, तो इन्होंने दी नहीं थी, क्योंकि इसकी जो टेस्ट राइड लेनी है तो आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी, और वहाँ पे ऑनलाइन बुक करने के बाद आपको टेस्ट राइड मिलेगी। लेकिन मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान थी शोरूम के अंदर में, तो मेरे को जाते ही मेरे को मिल गई बिना किसी बुकिंग वगैरह के। तो ये था, बाकी स्कूटी काफ़ी अच्छी है, और इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है जुपिटर, TVS जुपिटर जो है मेरे पास, उससे काफ़ी मिलता जुलता है, यानी मेरे को चलाने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि मैं फ़र्स्ट टाइम कोई ये वाली स्कूटी चला रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जुपिटर चला रहा हूँ अपनी। तो बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, इसके जो व्हील हैं वो 12 इंचेस के हैं, और डिस्प्ले वगैरह सब चीज़, और रियर मिरर का तो मैं क्या ही बताऊं, कहने काफ़ी अच्छे मिरर हैं, काफ़ी चौड़े हैं और काफ़ी वाइड हैं, पीछे का सारा कुछ दिखाई दे रहा है। तो सिटी के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है ये इलेक्ट्रिक, क्योंकि पेट्रोल के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि यार क्या ही बताऊं, मेरा डेली का 150 से 200 रुपये का पेट्रोल लग जाता है, वो 200 रुपये में इस स्कूटी को ख़रीदने में लगा सकता हूँ, तो मेरे लिए बराबर ही बात पड़ जाएगी, यानी एक्चुअल में 3 साल में मेरे को ये स्कूटी मेरे हाथ में आ जाएगी बिना किसी उस इशू के। तो ये सीन है थोड़ा, मैं इसीलिए इसकी टेस्ट राइड लेने के लिए आया था शोरूम पे, और काफ़ी अच्छी रोड प्रेजेंस है इसकी, और स्मूथ आवाज़ तो है नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं मिलेगी आपको। और इलेक्ट्रिक स्कूटी की जो खास बात मेरे को लगी है कि इसका जो पिकअप मिलता है ना, इनिशियल जो मिलते हैं वो नॉर्मल पेट्रोल स्कूटी से काफ़ी ज़्यादा है, यानी आपको इनिशियल में एकदम टॉर्क अच्छा खासा मिल जाएगा। अभी मेरे साथ पिलियन बैठा हुआ है, उसके बाद भी काफ़ी अच्छी स्कूटी भाग रही थी, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को। बाकी कोई नहीं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, ओनरशिप रिव्यू क्या आते हैं। मैंने कोई इस पे यानी कोई स्पेसिफ़िकेशन की कोई भी बात नहीं करी है, वो आप ऑनलाइन गूगल कर सकते हो कि क्या स्पेसिफ़िकेशन होती है, मोटर पावर कितनी है, बैटरी कौन सी लगी है इसमें, लिथियम पॉलीमर की बैटरी लगती है वैसे, और जो इसकी बैटरी की जो कॉस्ट आती है वो ऑलमोस्ट यानी 30,000 आती है, और कंपनी जो वारंटी देती है वो 3 साल की देती है, तो 3 साल के बाद आपको बैटरी चेंज करानी पड़ेगी। तो ये थी थोड़ी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मेरी राइड ख़त्म हो चुकी है, तो इसके बाद में मैं देखते हैं क्या क्या सीन है। यहाँ पर मैंने स्टैंड नीचे कर दिया और स्टैंड का इंडिकेटर आपको जल गया, यहाँ पर स्कूटी बंद हो चुकी है, और 71%, यानी कि मेरे एक चक्कर लगाने में 2% बैटरी ड्रेन हो गई। तो बैटरी ड्रेन तो होगी यार, क्योंकि अभी इतनी एडवांस बैटरी आई नहीं है मार्केट के अंदर, और सही है, काफ़ी अच्छा है, दोनों हैजार्ड स्विच इसके अंदर इनबिल्ट है। और ये रही इसकी चाबी, फ्लिप चाबी मिलेगी आपको, और एक फ्लिप मिलेगी, एक नॉर्मल मिलेगी, और यहाँ पे टॉर्च भी मिल जाता है इसके साथ,
तो यहाँ पे डिग्गी खोल के देखते हैं डिग्गी में क्या है। डिग्गी में काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर आपको चार्जर मिल जाएगा और लाइट भी मिल जाती है, तो अंधेरे में अगर आपको कुछ देखना हो तो LED वगैरह से। तो यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट है नीचे की साइड में। और अच्छा, अगर पिलियन बैठता है तो पावर ड्रॉप होती है क्या इसमें? या पावर नहीं ड्रॉप होती, थोड़ी एवरेज कम होगा। एवरेज कम होगा, ओके। पावर ड्रॉप होने का मतलब अच्छा, जैसा आप बता रहे हो कि यहाँ पे चार्जर फिट होगा, अब बाय चांस यहाँ पे कोई एक स्कूटी पहले से ही खड़ी है चार्जिंग पे? तीन पॉइंट है उसके अंदर। अच्छा, और वो फ्री कॉस्ट होता है। एक्चुअल में मेरा ये डेली नांगलोई से करोल बाग का आना जाना होता है, तो उस बेसिस पे मैं इसको लेने की सोच रहा हूँ। यहाँ पर आके चार्जिंग पे लगा के छोड़ दो, मार्केट करके मार्केटिंग करता हूँ। हाँ जी, हाँ ठीक है, हाँ चार पाँच घंटे का टाइम देता हूँ करोल बाग में, उसके बाद में फिर यहाँ से उठा के सीधा। हाँ GoPro है, हाफ हेलमेट ही आ पाएगा इसके अंदर, फुल ये वाला आ जाएगा नहीं आएगा ना? नॉर्मल वाले साइज वाले जो होते हैं ना। हाँ हाँ, ये लार्ज हो गए, एक्स्ट्रा लार्ज हो गए। इसकी लाइट नहीं जल रही ये वाली? ये अब जल रही है सर, ये तो अच्छा ऑन करने पर सेंसर बेस होती है, वैसे जहाँ इसको जरूरत होगी वहाँ ऑटोमेटिक मिल जाती है, सेंसर बेस होती है। इसका टोटल वेट 118 किलो। 118 किलो बैठ के देख सकते हो। पूछना बनता ही है, नई नई चीज है ना, एक नई चीज है और अभी लॉन्च हो रही है, अभी लॉन्च हुई है, कुछ पता नहीं है इसका। ये इको है। अच्छा, ये इको कैसे? अच्छा अच्छा, ये बटन कौन सा दबाया आपने? ये मोड लिखा है। अच्छा, ये मोड है। अच्छा, ये इसी को प्रेस अंगूठे से करना जरूरी आएगा। इको में आ गया, ठीक है, ये स्पोर्ट में आ गया। यहाँ पे आपको एवरेज दिखाएगा, इको में इतनी एवरेज मिल रही है इतने परसेंट चार्ज पे, स्पोर्ट में आपको इतनी एवरेज मिल रही है इतने परसेंट चार्ज पे, ठीक है ना? यानी 40 किलोमीटर चलेगी यानी कि? हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे जैसे चार्जिंग कम होती जाएगी तो इसकी एवरेज भी कम? बिल्कुल कम हो जाएगी। चार्जर का यूनिट है वो दिखा देते हैं आपको, ये कुछ इस टाइप का यूनिट है। यहाँ पे आपका प्लग, एक केबल आएगी वो लग जाएगी, और ये कंपार्टमेंट आपके घर पे लगाया जाएगा, और यहाँ से ये सीधा इसके अंदर लग जाएगा, ये 230 वॉट के अंदर। तो ये सीन है इसका चार्जिंग का। तो एक थोड़ा है, प्लग इन प्ले वाला सिस्टम नहीं है बिल्कुल भी, नॉर्मल आपका एकदम यानी फिक्स वाला है। तो यहाँ पर आपको 3 पोर्ट मिल जाएंगे इसके लिए, चार्जिंग के लिए। तो आपको अगर चार्जिंग ख़त्म हो जाए तो यहाँ पर आप आकर चार्जिंग वगैरह करा सकते हैं, और सही है। इसका जो ऑन रोड प्राइस है गाइस वो है 1,08,000 रुपये, और अगर आप चार्जर लेते हैं, इसका चार्जर तो लेना ही पड़ेगा बिल्कुल, तो 1,17,000 रुपये के आसपास इसकी कॉस्ट आएगी टोटल ऑन रोड। और इसको बुक कराने के लिए गाइस और टेस्ट राइड लेने के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी। और गाइस इसका 3 महीने का वेटिंग पीरियड है इस बाइक का अभी, तो काफ़ी लंबा है। तो बाकी देखते हैं क्या रिव्यूज़ आते हैं इसके लोगों से चलाने के बाद में। बाकी मेरा भी प्लान हो रहा है कि इसको ले ही लिया जाए और अपनी जुपिटर से एक्सचेंज कर लिया जाए, तो बाकी देखते हैं। तो कंक्लूजन ये आता है, इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं। तो इस बाइक की खास बात यह है कि ये 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड पर चल जाती है, तो काफ़ी इनफ स्पीड है। नॉर्मल पेट्रोल वेरिएंट जो जुपिटर का है वो भी 85 मैक्स जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता। और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है कि इसकी जो बैटरी का चार्जिंग टाइमिंग है वो 5 आवर्स है, 5 घंटे में ये चार बैटरी फुल होती है। जैसे कि आप फ़ोन, पहले पुराने वाले फ़ोन जो होते थे N73 वगैरह, जैसे वो 3-4 घंटे ले लेते थे फुल चार्ज होने में, वैसा ही सीन अभी ये गाड़ियों में आ रहा है कि ये फास्ट चार्जिंग वाला अभी कोई वो नहीं है कि 15 मिनट गाड़ी लगाओ और 80 किलोमीटर चलो। कंपनी से यही होप करते हैं कि आगे की जो जनरेशन की जो इलेक्ट्रिक स्कूटी हैं वो इस टाइप की आ जाएं कि फास्ट चार्जिंग उनमें होने लगे और जो रेंज है वो ज़्यादा होने लगे। कम से कम 120 किलोमीटर की रेंज तो होनी चाहिए स्कूटी में, इसमें 75 कंपनी क्लेम करती है, और नॉर्मल रोड्स पे आपको मुश्किल से 65 के आसपास मिलेगी, वो भी इको मोड पे। का यानी ट्रैवलिंग टाइम पर डे का 50 किलोमीटर से कम है तो आप इसको ले सकते हो,
क्योंकि इसका जो प्राइस है वो काफी ज्यादा है यार, 1,70,000, 1,20,000, 1,25,000 रुपए की पड़ जाती है ऑलमोस्ट। फ्यूल के हिसाब से देखा जाए तो प्रॉफिट इसमें आपका होगा ज्यादा। इसका चार्जर वो फिक्स है, आपका घर में फिक्स होगा और वहीं पे ही स्कूटी को लाकर चार्ज करना पड़ेगा, या तो उस शोरूम में खड़ी करके चार्ज कर लो या फिर घर पे आके चार्ज कर लो। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी रुक गए, सॉकेट मिला वहाँ पे चार्जिंग पे लगा लिया और 1 घंटा चार्ज कर लिया, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है इसके अंदर। तो ये थोड़ा है, बाकी स्कूटी अच्छी है, ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है, पोल्यूशन फ्री है और आपके पेट्रोल के पैसे भी बच रहे हैं। तो मान लो अगर आपके आपका 100 रुपये का डेली का पेट्रोल लग रहा है तो वो 100 रुपये बचा लो और महीने के हो गए आपके 3,000 रुपये, तो 3,000 रुपये इसकी EMI भरने पे लगा दो और आपकी 2 या 3 साल में आपकी स्कूटी अपनी हो जाएगी और आपके पेट्रोल के पैसे बचते रहेंगे। तो वो पेट्रोल के पैसे इसकी EMI में लगा दो तो बेस्ट रहेगा। और इसको बुक करने के लिए गाइस इसकी वेबसाइट है, तो वो कोशिश करूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ, तो जाके चेकआउट कर लेना। आपको टेस्ट राइड लेनी है या फिर बुक करनी है तो बुकिंग अमाउंट जो है इसका 5,000 रुपये का है और जो इसका वेटिंग पीरियड है वो 3 महीने का है गाइस। 3 महीने बाद आपको आपका व्हीकल आपके हाथ में आएगा, तो काफ़ी लंबा टाइम है। बाकी आप जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी आपको स्कूटी मिलेगी। सो गाइस इसकी जो बैटरी का जो क्लेम है वो 3 साल का है, यानी 3 साल की वारंटी होती है बैटरी की। ये लिथियम पॉलीमर की बैटरी होती है और बाहर से इंपोर्ट करी जाती है, तो यानी कि अगर आपकी बैटरी 3 साल बाद बाई चांस ख़राब हो जाती है तो ये पुरानी वाली बैटरी लेंगे और नई वाली बैटरी दे देंगे, तो जिसकी जो कॉस्टिंग आएगी वो 15,000 रुपये आपसे चार्ज की जाएगी और 3 साल में 15,000 रुपये आपको देने सिर्फ बैटरी के। और इसमें और कुछ भी ख़राब होने वाला सीन है नहीं, मोटर तो मुश्किल ही होती है ख़राब, बैटरी का ज़्यादा इशू आता है तो बैटरी ही ख़राब होने का चांस ज़्यादा होता है। तो बैटरी का जो कॉस्ट आएगा वो 15,000 रुपये का 3 साल के बाद में, तो 15,000 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है, बेस्ट है। पूरी बैटरी की जो कॉस्ट आएगी वो 30,000 आएगी, ऑलमोस्ट डबल। अगर आपकी पुरानी बैटरी चालू कंडीशन में तो पुरानी बैटरी ये ले लेंगे और नई बैटरी आपको दे देंगे, आपके 15,000 रुपये सेव हो जाएंगे। तो एक पॉइंट ये मेरे को अच्छा लगा है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में बताना आपको कैसी लगी ये TVS की iQube। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़। और यार 10,000 करवा दो यार फटाफट, जल्दी जल्दी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में और जिसको ये स्कूटी के बारे में जानना था। तो मेरे को जितना भी पता था और मेरे हिसाब से जो मेरे को अच्छा लगा वो